रायपुर के मल्टी लेवल पार्किंग में युवती के साथ दुष्कर्म मामले में शिवसेना अध्यक्ष ज्योति सिंह ने कलेक्टर ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया। हम अपनी पूरी टीम के साथ उनसे मिलेंगे और मिलके बोला चाहते हैं कानून बने। नहीं, 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 मिलना है आपको, बुके देना, वो यहाँ आए। मैं बता दी, पाँच जितने भी आते हैं प्रतिनिधिमंडल जाते हैं, पाँच लोग, चलो छह लोग, रूम लाइट लिख में दो मिनट, दो मिनट हम लोग वहीं बैठ जाएंगे। वही बात मैडम, आप यही बैठ जाएंगे, यहाँ बैठ जाइए, आप तो चाह ही रहे हैं कि हम बारिश में यहाँ भी हैं, आपके साथ हम नहीं रहना चाहते, हमारे पास बरसाती है, सर हमने तो ड्यूटी छोड़ के आएंगे, आप तो ज्ञापन लेने आते हैं, हर चीज के लिए हम लोग फ्री है। नहीं 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 मैडम, रोज इतने सारे ज्ञापन के लिए आते हैं मैडम, आप लोग बोल रहे ना, हमारे जितने ड्रेस कोड में पदाधिकारी हो जाएंगे, साथ में रिपोर्टर भी, पांच लोग मैडम, पांच साथी लोग, पांच लोग मैडम, मैं बता रहा हूँ, पांच लोग, पांच अधिकारी, आप कोऑपरेट कीजिए ना मैडम, कोऑपरेट कीजिए, पांच लोग, मैं साहब से बात कर लेता हूँ, रिपोर्टर भी जाएंगे ना, रिपोर्टर तो अलग है ना, वो तो अलग है, वो तो अलग है, आप ज्ञापन लेना चाह रही है कि क्या करना चाह रही है, ज्ञापन देना चाह रही है, सम्मान देना चाहिए, ज्ञापन कितनी बार देंगे, अंदर में पुलिस का अभी कोई भी अधिकारी नहीं बचा, तो बुला लीजिए सर। मेरा नाम है ज्योति सिंह, महिला प्रदेश अध्यक्ष उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना छत्तीसगढ़। तीन दिन पहले गुरुवार की घटना है, जो सीएसपी कार्यालय में हमारा जस्तम चौक जो हृदय स्थल है, वहां पर एक बेटी के साथ में सामूहिक बलात्कार हुआ और उस बलात्कार में सिक्योरिटी गार्ड भी था। हम ये चीज को लेके आज सर से मिलना चाहते हैं, क्योंकि आज मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में आज बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, मुंबई दिल्ली जैसा हमारा छत्तीसगढ़ का हाल हो गया है। तो मैं आज प्रफुल्लित हूँ, बहुत खुश हूँ, और ऐसा लगता है कि मुझे छत्तीसगढ़ में कि आज एसपी सर के कार्यकाल में बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो इतना हक तो बनता है हमारा भी कि आज हम उनको बुके और फूल दें, हमारी पूरी महिला विंग की टीम उनको फूल देना चाहती है। तो बिल्कुल नहीं मैडम, हम लोग तो कड़ा कानून बनाए, लेकिन हमारा प्रयास है, हम महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं की आवाज बन के हम यहाँ खड़े हैं, और बिल्कुल जब तक हम पार्टी में रहेंगे तब तक हम अपने अधिकार से लड़ते रहेंगे। नगर निगम की बात तो मैं नहीं कहना चाहूंगी, देखिए आज कानून व्यवस्था, सीएसपी साहब भी एक बहुत बड़ी मानो उनका अधिकार है कि आज यहाँ छत्तीसगढ़ में महिलाएं आज उनकी ऑफिस के नीचे में बेटी के साथ हुआ, तो सबसे पहला नाम तो उन्हीं का आना चाहिए। नगर निगम से अब यही बोल सकते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा पे विशेष ध्यान दें, लेकिन मैं मेरा आज कानून व्यवस्था जो है वो पुलिस प्रशासन से है, उनकी व्यवस्था में गलती हुई है, इसलिए आज हम बैठे हैं। बिल्कुल प्रशासन को मानती हूँ, अगर कोई भी बंदा काम करने यहाँ आता है छत्तीसगढ़ में, सिक्योरिटी गार्ड हो और तो उनका वेरिफिकेशन पुलिस के माध्यम से होना चाहिए, तो वेरिफिकेशन क्यों नहीं होता, बिना वेरिफिकेशन के आज क्यों रखा गया, एक सिक्योरिटी गार्ड है आज बोलते हैं रक्षक ही भक्षक बन चुका है, तो हमें तो आज पुलिस प्रशासन के सामने ऐसे खड़ा होना ही पड़ेगा। नाम चंद्रमौली मिश्रा है, मैं शिवसेना का प्रदेश महासचिव हूँ छत्तीसगढ़ राज्य। आज जैसे कि देखने में आ रहा है, रक्षाबंधन के समय कोई बालिका अपने भाई को राखी बांध करके आ रही थी, जिसका मंदिर हसौद में सामूहिक बलात्कार हुआ, उसके कुछ दिन उपरांत अभी दो दिन पहले रायपुर के मल्टी लेवल पार्किंग में सीएसपी कार्यालय के पीछे भी वही घटनाएं हुई, सामूहिक बलात्कार हुआ। हमारा प्रशासन से पुलिस से यह है, बलात्कार के अंदर अपराधियों के अंदर पुलिस का भय खत्म हो गया है क्या? कांकेर जी रायपुर जिले में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में बालिकाएं महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ऐसा क्या कारण है कि आम जनता के अंदर तो पुलिस का भय है किंतु अपराधियों के अंदर पुलिस का भय खत्म हो चुका है, बलात्कारियों के अंदर पुलिस का भय खत्म हो चुका है? आज उसी विषय को लेकर के हम लोगों के द्वारा शांतिपूर्वक माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय रायपुर के पास उनको पुष्प गुच्छ भेंट करने जा रहे थे। महिला शिवसेना की टीम है जो पूरे प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए और बिगड़ती कानून व्यवस्था, बालिकाओं के ऊपर हो रहे बलात्कार के विरोध में आंदोलन का विस्तार करेगी। इसके पीछे का कारण यह है कि पुलिस का भय होना चाहिए अपराधियों के अंदर, बलात्कारियों के अंदर,
आज छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, आप देख रहे हैं। चाहे वो मैं कोंटा से सुकमा की बात करूं, या फिर बलरामपुर से, या फिर अंबिकापुर और राजनांदगांव और सरायपाली बसना की बात करूं, पूरे प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। अपराधियों के अंदर पुलिस का भय नहीं है, और जिसके कारण ये घटनाएं हो रही हैं। आज विषय बहुत अच्छा है, और इसके पीछे भी कहीं ना कहीं पुलिस की कमजोरी है। जो आज रायपुर जैसे जगह में ड्रग्स बिक रहा है, रायपुर जगह जैसे जगह में स्मैक बिक रहा है, रायपुर जगह जैसे जगह में अफीम बिक रहा है, तो इसको पकड़ने का काम जहाँ तक कानून व्यवस्था का काम है, वह पुलिस का है। और पुलिस द्वारा इस पर सही ढंग से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बना है, उसके साथ साथ नशे का गढ़ बन गया है। और वो नशा करने के उपरांत ये आज जो घटनाएं हो रही है, उसमें 70% नशे का मैं जिम्मेदार ठहराता हूँ।